हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न या फ्रैक्शन, ठीक है। और भिन्न के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना, भिन्न का गुणा, भाग, और फिर जो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाना, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि भिन्नों को किस प्रकार से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो देख लेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ये एमपी के हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब आप कोई भी एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस हुआ, एमपी एसआई या फिर पटवारी या अदर कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पर आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली जेल पैरी के लिए पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं फ्रैक्शन की या फिर भिन्न की। तो भिन्न हम किससे बोलेंगे, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं कि भिन्न किस राशि को कहा जाएगा। मतलब ऐसी राशि जो पी अपॉन क्यू के रूप में हो उसे भिन्न कहेंगे। कहने का मतलब, अगर मैं लिख दूँ 3/5 या लिख दूँ 7/9 या लिख दूँ 13/9, तो यहाँ पर आपने तीनों की तीनों राशि देखी, हर एक में अंश भी है और हर भी है। कहने का मतलब इस पी को हम बोलते हैं अंश, ठीक है, इस पी को बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमेरेटर, ठीक है। इसको अंश को बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, और हर को बोल देंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो ये अंश बटे हर होगा, पर जब भिन्न की बात हो रही तो अंश और हर दोनों होगा। तो हर कभी भी जो क्यू है ना वो जीरो नहीं हो सकता। अगर क्यू की जगह हम जीरो लिख देंगे तो ये इन्फेनाइट बन जाएगा, इसलिए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्या, क्यू, ठीक है। तो क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, भिन्न बोल देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें भिन्न के बारे में संख्या पद्धति में भी देखा था। तो अगर मैं यहाँ कोई संख्या लिख दूँ, ठीक है, जैसे लिख दूँ 2, 3, 4, तो क्या ये भिन्न है, ठीक है। तो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, आप जब भी लेक्चर देख रहे हैं, तो 3, 4, 5 अगर मैं कोई भी संख्या लिख दूं तो क्या ये भिन्न है, तो बिल्कुल ये भिन्न है। क्यों भिन्न होगी, क्योंकि 2/2 कुछ नहीं है, मतलब कितना लिख सकते हैं 1, तो इसमें अंश बटे हर हो जाएगा। वैसे ही 4/2 कुछ नहीं है, तो हम कितना लिख सकते हैं 1, मतलब 4/1 लिख सकते हैं। इसमें अंश भी हो गया, हर भी हो गया, इसका मतलब ये भिन्न होगा। फिर आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी पॉइंट वाली संख्या वो क्या भिन्न होगी, पॉइंट वाली संख्या मीन्स अगर हम लिख दें 3.5, तो ये भिन्न होगा, क्लियर है। क्यों होगा 3.5 भिन्न, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3/5/10, क्योंकि कल का लेक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, क्लियर है। तो कितना जाएगा 7/2। वहीं पर अगर मैं लिख दूं 1.222, क्या ये भिन्न है, तो ये बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 2 2 अपॉन में कितना जाएगा 1000, ठीक है। चाहो तो इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं। परंतु वहीं पर अगर मैं कुछ इस प्रकार की संख्या की बात करूँ, जैसे ठीक है, ये भी भिन्न होंगे, ये भी भिन्न होंगे, मतलब जो भी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर जो होंगे वो भिन्न होंगे, और दशमलव वाली जो संख्या होगी वो भी भिन्न होगी। अब यहाँ पर देखो, परंतु अगर हम इस प्रकार की संख्या की बात करें कि 3.222 और ये, क्या ये भिन्न होगी, नहीं, ये भिन्न नहीं होगी, क्योंकि 2 कब खत्म होने वाला वो चीज़ें क्लियर नहीं है। कहने का मतलब इसी संख्या को हम लिखते हैं 3.2/2, तो ये भिन्न कहलाती है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इस प्रकार की संख्या भिन्न नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पर अगर लिख दूँ मैं 3.27 और 5/2, ठीक है, या 7/5/2, क्या ये भिन्न होगी, तो ये भिन्न नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कितना 3.27575, ठीक है, आगे तक हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए ये भिन्न के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, आगे हम देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम पाई की बात करें, ठीक है, जो पाई होता है, तो पाई भिन्न है क्या, तो नहीं, ठीक है, पाई भिन्न नहीं है। परंतु पाई का जो मान हम 22/7 की बात करते हैं, तो ये भिन्न होगा। तो जो 22/7 है वो भिन्न है, परंतु पाई भिन्न यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो आपको भिन्न पता चल चुका। पी अपॉन क्यू के रूप में जो राशि लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं, अंश को न्यूमरेटर, इसको क्या बोल देंगे डिनोमिनेटर, और क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, मतलब जीरो के बराबर नहीं होगा तब ही भिन्न है। अगर क्यू का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो पूरी की राशि इन्फाइनाइट बन जाएगी, जो कि भिन्न नहीं कहलाएगा, और पाई भिन्न नहीं होता। बाकी ये सारी चीज़ें भिन्न होती है, जो चीज़ें हमने देखी। तो हम इतना यहाँ से जान चुके हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, उचित भिन्न किसे कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, तो ऐसी, देखो ऐसे सारे भिन्न, भिन्न किसको बोलते हैं, वो चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3/5, 5/7, 15/11, या लिख दूँ 101/99,
ये सारे के सारे भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहलाएंगे। तो यहाँ पर इन चारों के चारों भिन्नों में आपको एक छोटी सी चीज कॉमन दिख रही होगी, और वो कॉमन क्या है, तो हर एक में अंश छोटा है हर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब अंश न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा हर से। तो ऐसी सारी संख्याएं चाहो तो आप थ्योरी लिख सकते हैं इसकी कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न उनको कहेंगे कि जिनका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, मतलब अंश क्या होता है, छोटा होता है हर से। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। तो ये आप साथ में लिख सकते हैं, क्लियर है। अब बात आती है किसकी, अनुचित भिन्न की। तो अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5/3, 11/9, 13/7 या फिर 101/99, तो इन चारों पांचों जो हमने चारों की चारों फ्रैक्शन लिख रखी है, इन चारों फ्रैक्शन में एक छोटी सी चीज कॉमन दिख रही होगी, हर एक में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, यहाँ पर भी अंश बड़ा है हर से, मतलब ऐसी सारी संख्याएं जिनमें जो अंश है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब हर वह जगह अंश जब भी हर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अनुचित भिन्न कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं वो पढ़ लिया है, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अब आगे देखते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एमपी के जो भी पेपर बनते हैं वो बेसिक से ही ज़्यादातर बनते हैं। अब अगली बारी आती है कि यूनिट फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन किसे कहा जाता है या इकाई भिन्न किसे कहते हैं, मतलब इस प्रकार के सारे भिन्न जिसमें अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1/15, 1/2, 1/3, 1/7, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे तो हर एक भिन्न में मैंने जो न्यूमरेटर है, ठीक है, अंश है, उसको मैंने बनाया क्या है, तो अंश को मैंने क्या बनाया है, एक। तो ऐसे सारे भिन्न, ठीक है, इस प्रकार के हर एक भिन्न जिसमें अंश क्या हो, एक हो, तो हम उसके क्या बोलते हैं, तो यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, इकाई भिन्न कहा जाता है, मतलब ऐसी हर एक भिन्न जिसका अंश एक हो उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। तो क्या ये भिन्न है, एक भिन्न है या नहीं, तो बिल्कुल एक भिन्न होगा, क्योंकि एक को हम लिख सकते हैं 1/1, एक को क्या लिखा जा सकता है, तो एक को लिखा जा सकता है 1/1, तो अंश क्या बना यहाँ पर, एक, मतलब जो एक है वो खुद अपने आप में यूनिट फ्रैक्शन होगा, मतलब इकाई भिन्न होगा, ये चीजें क्लियर है। अब बात आती है मिक्सड फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, मतलब इस प्रकार के भिन्न जो कि मैं अगर लिख दूँ 2 सही 2/5, आगे लिख दूँ 7 सही 1/7, आगे लिख दूँ 3 सही 3/13, या फिर हम लिख दें 11 सही 13/15, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि ये तो यहाँ पर फ्रैक्शन होती है, ठीक है, ये सबके सब भिन्न है, अंश बटे हर, परंतु ये एक पूर्ण राशि होती है, ठीक है, एक पूर्ण राशि होती है, कौन सी, ये, जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 2 सही 1/2, ठीक है, ये एक मिश्रित भिन्न है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिश्रित भिन्न को हम लिखते कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2, मतलब अगर हमारे पास 3 रोटी थी, टोटल कितनी रोटी थी, ये रिप्रेजेंट करेगा ये एक रोटी प्लस ये दूसरी रोटी, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, आधी रोटी को, ठीक है, तो रोटी ऐसा कुछ बनाए तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.5 रोटी को, तो 2 तो पूरी पूरी है, ठीक है, तो ये जो 2 साथ में आया है, ये वाला 2, तो ये पूर्ण राशि को रिप्रेजेंट करता है और ये भिन्न को रिप्रेजेंट करता है, ये पूर्ण राशि को रिप्रेजेंट करता है, ये भिन्न को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और याद रखना कि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं 3 सही 3/13, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं तो हमेशा और हमेशा, ये तो पूर्ण राशि आ गई, ये चीजें क्लियर है आपको, यहाँ पर जो ये भिन्न लिखा जाता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन लिखी जाती है 3/13, तो यहाँ पर हमेशा और हमेशा किसका यूज किया जाता है, तो प्रॉपर भिन्न का यूज किया जाता है, मतलब उचित भिन्न का, हमेशा और हमेशा अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा। और अगर गलती से ऐसा कुछ हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 2 सही 3/5, तो क्या ये, सॉरी 2 सही 3/2, तो क्या ये मिश्रित भिन्न होगा, तो मिश्रित भिन्न होगा, तो परंतु इसे और सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 सही 3/2, इस प्रकार से आप समझ पा रहे, 2 सही 3/2, अगर यहाँ पर अंश बड़ा आ जाए हर से, तो उसे और आगे सॉल्व करेंगे, मतलब 2 सही, इसको हम लिख क्या सकते हैं 2+3/2, और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस
दो का भाग देंगे तीन में, तो दो एक कम दो और बचा कितना एक बटे दो। ये चीजें क्लियर हो पा रही है? तो दो और एक कितना तीन, सही, एक बटे दो फाइनल इसका क्या होगा आंसर। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर एक और चीजें देखो, तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि मिश्रित भिन्न किसे कहा जाता है, मिक्सड फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। अब देखो ये ऐसा भी कुछ होगा यहाँ पर कि अगर हमें कोई संख्या इस प्रकार से दी हो तीन प्लस एक बटे तीन, मतलब जब भी एक पूर्ण राशि, ठीक है, एक पूर्ण राशि और एक भिन्न को जोड़ा जाता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तीन सही एक बटे तीन लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जब भी एक पूर्ण राशि को एक भिन्न के साथ जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट पूर्ण राशि को इसके साथ में लिख दिया जाता है और उसको पढ़ते क्या है तीन सही एक बटे तीन। या फिर अगर हम इसे सॉल्व करें तो तीन तरीका नौ, ये प्लस का प्लस वन का वन बटे में क्या आएगा तीन, लिखेंगे कितना दस बटे तीन, और आगे सॉल्व करोगे तो तीन त्रिका नौ बचा एक बटे तीन, ऐसा कुछ सॉल्व किया जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अगर मैं आपसे बोल दूं कि पांच प्लस एक बटे सात है, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा पांच सही एक बटे सात। अगर मैं लिख दूं दस प्लस ग्यारह बटे तेरह है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप सीख चुके होंगे अब तक कि 10 सही 11 बटे 13 इसका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, मतलब जो मिश्रित भिन्न होता है, मिक्सड फ्रैक्शन होता है, उसमें एक तो पूर्ण राशि होती है और दूसरा एक भिन्न होता है, पर किस प्रकार का भिन्न होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एक पूर्ण राशि के साथ। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके, आगे अगर हम बात करें इक्वल फ्रैक्शन या समान भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो समान भिन्न किसे कहते हैं उन चीजों को देखो। अगर मैं यहाँ लिख दूं एक बटे तीन तो ये कितना है वन बाय थ्री है। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, ठीक है, कि दो बटे छः, ठीक है, ये दो बटे छः लिख दिया, और अगर मैं आगे लिख दूं चार बटे बारह, और आगे अगर लिख दूं मैं आठ बटे चौबीस, और आगे अगर लिख दूं तो सोलह बटे अड़तालीस। ये चीजें समझना, मैंने लिखा एक बटे तीन और आगे सॉल्व करा तो दो बटे छः, और आगे लिखा तो चार बटे बारह, और आगे लिखा तो आठ बटे चौबीस, और आगे लिखा तो सोलह बटे अड़तालीस। ये तो ठीक है, चलो एक बटे तीन है, परंतु यदि मैं इसे कैंसिल आउट करूं, दो एक कम दो, दो दो तिया छः, तो ये भी कितना आ जाएगा एक बटे तीन। इसे अगर सॉल्व करें तो चार एक कम चार, चार तिया बारह, इसे सॉल्व करेंगे तो आठ एकम आठ, आठ तिया चौबीस, इसे सॉल्व करेंगे तो सोलह एकम सोलह, सोलह तिया अड़तालीस। तो हमने देखा कि ये पूरी की पूरी राशि आपस में क्या है बराबर है। तो इस प्रकार की राशि जो कि आपस में क्या हो बराबर हो पर भिन्न हो, अंश बटे हर हो, तो हम इसे क्या कहेंगे तो इक्वल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या ये चीज आप समझ पाए? आगे देखो, अब लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, मतलब सम हर भिन्न। ठीक है, तो ये आप उतार सकते हैं। आगे देखिए, सम हर भिन्न किसे कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं उसके बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखा है हर, ठीक है, समान हर, मतलब ऐसे भिन्न जिसके हर समान हो, जैसे पांच बटे सत्रह, ग्यारह बटे सत्रह, तेरह बटे सत्रह, एक बटे सत्रह, मतलब ऐसे सारे के सारे भिन्न, ऐसी सारी की सारी फ्रैक्शन जिसका जो अंश है डिनोमिनेटर जो है वो सारा का सारा क्या है इक्वल हो, एक समान हो, तो उसे बोलते हैं हम सम हर भिन्न या फिर लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात हो रही है कि अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे। तो आप ये अब तो बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शनों को कहा जाएगा जिसमें हर क्या हो असमान हो। ठीक है, हर क्या हो असमान हो, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिसके हर असमान अगर हो जाएंगे तो उसे असमहर भिन्न या फिर अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर हो पा रहा है? बात आती है कि गुणात्मक विलोम या फिर मल्टीपल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट इसे मिटा देते हैं पहले। मल्टीपल या फिर गुणात्मक विलोम किसे कहते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दो बटे तीन को अगर मैं ऐसा लिख दूं तीन बटे दो, पाँच बटे सात को मैं लिख दूं सात बटे पाँच, तेरह बटे बारह को अगर मैं लिख दूं बारह बटे तेरह, तो कहने का मतलब कि जब भी भिन्न को अगर पलटा दिया जाता है तो उसे जब भी भिन्न को क्या करते हैं पलटा देते हैं, मतलब अंश को हर हर को अंश लिख देते हैं। यहाँ दो बटे तीन को हमने लिख दिया तीन बटे दो, यहाँ पाँच बटे सात को लिख दिया सात बटे पाँच। तो जब भी भिन्न को पलट दिया जाता है तो उस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलते हैं, तो गुणात्मक विलोम कहते हैं या फिर मल्टीपल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आई होप जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई वो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी अगर बना रहे तो वहाँ नोट कर लीजिए, या फिर आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, एक बार और लेक्चर जरूर देख लेना। अब आगे देखते हैं कि जो भिन्न हम पढ़ तो चुके हैं कि क्या कैसे किनको भिन्न, मिश्रित भिन्न, सम भिन्न, असमान भिन्न, ठीक है, प्रतिलोम भिन्न किन्हें किन्हें कहा जाता है। अब छोटी छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जिन लोगों को कुछ भी ना आ रहा होगा वो लोग भी अगर आगे देखते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तीन बटे चार,
प्लस 2/7, ठीक है, इन्हें जोड़ना है। जिनको आता होगा वो तो एक सेकंड में जोड़ पाएंगे, ठीक है। आगे चल के हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, तो जिन्हें आ रहा है वो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर इसे देख लीजिए, आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। 3/4 प्लस 2/7 इसे जोड़ना है। तो जब भी भिन्नों को जोड़ा जाता है तो करते क्या है, ये देखो, ये दोनों का लेते हैं एलसीएम। जिन लोगों को ना पता हो उन लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए, जो हर की राशि है उनका लेते हैं एलसीएम। तो 4 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना जाएगा, 28। क्लियर हो पा रहा है। अब करते क्या है, जो हर की राशि है, हर की राशि कितनी थी, 4। इस 4 से इसको हम भाग देते हैं, तो 28 को 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार। उस 7 का यहाँ क्या कर देते हैं, गुणा, तो 7 किया कितना जाएगा, 21। क्या ये चीज़ समझ पाए, इन दोनों का एलसीएम लेना, तो एलसीएम 28। इस 4 का 28 में भाग देंगे तो कितने बार, 7 बार। और 7 का अंश में गुणा करना है तो 7 21, प्लस है तो ये प्लस है तो प्लस लिखना है। अब करना क्या, देखो इस 7 का फिर से भाग देना है 28 में, तो 7 का 28 में भाग दोगे तो 4 बार, और उसी 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 2 8। आगे सॉल्व करेंगे तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29, ठीक है। 21 और 8 29/28, इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 28 से कम 28, क्योंकि अंश अगर बड़ा आ जाए तो उसे आगे सॉल्व करना है। तो 28 से कम 28, एक बार भाग जाएगा, 28 हो गया, बचा कितना यहाँ पर, 1, तो 1/ कितना लिखेंगे, 28 ही होगा आंसर। समझ पा रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन देखो आगे। यहाँ पर अगर हम लिख दें कि 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, इसे हमें जोड़ना है। करते क्या है, हम बटे की जो संख्या होती है उनका ले लेते हैं एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ 24 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, कितना जाएगा, 24 एलसीएम। एचसीएफ जिनको नहीं आता होगा तो हम एलसीएम एचसीएफ में सिखा देंगे। तो इन सभी जो बटे की राशियाँ उनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24। इस 6 से भाग देना है किसको, 24 को, कितने बार जाएगा, 6 ही 24, 4 बार, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, प्लस 2 का 24 में भाग देंगे तो कितने बार, 12 बार, तो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12, प्लस 3 का 24 में भाग देंगे तो कितने बार, 8 बार, और 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8, प्लस 4 का 24 में भाग देंगे तो कितने बार, 6 बार, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6, और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 और 8 20, और 6 और 4 10, तो कितना जाएगा, 30। तो 30/ कितना, 24, और आगे सॉल्व करेंगे तो 24 से कम 24, बचा कितना, 6, तो 6/24, और आगे सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 6 24, तो फाइनली आ जाएगा 1 सही 1/4, ये होगा आंसर, ठीक है। तो जिन लोगों को आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लिखो। अब आगे देखिए, मिश्रित भिन्न अगर होते तो उन्हें कैसे सॉल्व करते। यदि मैं कोई एक संख्या लिख दूं, 2 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/4, इन्हें जोड़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, कहने का मतलब इस प्रकार से हम ले लेंगे, 10 सही 2/5 प्लस 12 सही 3/5 प्लस 3 सही 4/15, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। जब भी मिश्रित भिन्नों को जोड़ने की बारी आती है, ठीक है, मिश्रित भिन्न मतलब अभी मैंने बताया था ये पूर्ण राशि है, ये पूर्ण राशि, तो इनको अलग से जोड़ दो, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। ये चीज़ समझ पाए कि जब भी मिश्रित भिन्न हो तो ये 2 पूर्ण राशि है, 7 पूर्ण राशि, तो 7 और 2 को जोड़ा तो आया 7, प्लस लगाया। अब ये भिन्नों को अलग से जोड़ो, मतलब 1/3 प्लस 1/4। क्लियर हो पा रहा है क्या, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे हम। तो देखो इनको अगर 2 ही भिन्न हो तो सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, जैसे 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ना है तो करते क्या है वो चीज़ देखो, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो 6, ठीक है। ये आता होगा आपको, पर कोई बड़ी चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ मैं, नॉर्मल सी चीज़ है ना। 3 और 2 कितना जाएगा, 5/6। क्लियर हो पा रहा है, मतलब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 का 7 प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 4/2 कितना, 12। अभी मैंने आपको बताया था कि एक पूर्ण राशि और एक मिश्रित, एक भिन्न को अगर जोड़ते हैं हम उचित भिन्न को, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कितना, 7 सही 7/12, ये क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है, जो मेथड हम यहाँ इस्तेमाल करे थे वो इसमें नहीं होगी, है ना, यहाँ पर एलसीएम मेथड ही इस्तेमाल होगी।
आगे हम इसे देखते हैं। तो मैंने ये कहा कि जब भी मिश्रित भिन्नों को जोड़ा जाता है तो डायरेक्टली हम पूर्ण राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ लिख देंगे कितना 25 प्लस भिन्नों को अलग से जोड़ना है। तो भिन्न क्या है हमारे पास 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/15। क्लियर हो पा रहा है? इन सबका 5, 5 और 15 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ये देखो 25 एलसीएम आ जाएगा। 5, 5 और 15 का 15 एलसीएम आ जाएगा। 5 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार 3 बार, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 प्लस 5 का 15 में भाग देंगे तो 3 बार, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, 15 का 15 में भाग देंगे एक बार, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4। क्लियर है? 6 और 4 10, 10 और 9 कितना जाएगा 19। तो यहाँ पर कितना जाएगा 19, 19/15 है। और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते थे 15 सही 15 प्लस 19/15 सॉरी 25 प्लस 19/15। और आगे सॉल्व करते तो 15 एकम 15 लिखते, मतलब 25 प्लस 1 सही 15 एकम 15 बचता कितना 4/15। तो 25 और कितना 26 सही 4/15 ये हमारा आंसर होता। ठीक है, मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल सॉल्व कर पाओगे। यह है और ये क्वेश्चन किस इस प्रकार हो जाएगा कि 3/5 और 7/3, ठीक है 3/5 प्लस और 7/3 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, एक बार इसे जरूर सॉल्व करना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है इनका उल्टा। तो 3/5 का उल्टा क्या होगा 5/3 प्लस 7/3 का उल्टा क्या होगा 3/7। तो ऐसे कुछ बोला है क्या कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम मीन्स उल्टा पलटा दिया के योग, तो इन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, इनको उल्टाया और जोड़ दिया, ऐसा कुछ बोला है। सॉल्व करेंगे तो 7/35 प्लस 3/3 9 बटे में 7 कितना जाएगा 21, और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 44/21। क्या कट पा रहा है? नहीं। फिर आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसने क्या बोला योग का व्युत्क्रम क्या होगा। जो योग आया है ये का व्युत्क्रम, मतलब इसका भी क्या पूछा है उल्टा, मतलब कितना 21/44। तो व्युत्क्रम क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा तो 21/44। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेज से रिलेटेड रहते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि ये क्या पूछ लिया, पर वैसा होता कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर आप एमपी के पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे तो उतना टफ कुछ नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत तो आपको आना ही आना चाहिए। अब माइनस वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो माइनस वाला क्वेश्चन हो जाएगा 8 सही 4/5 माइनस 3 सही 3/4 करते हैं ना 3/4 ये क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो कि जब भी हम मिश्रित भिन्न को घटाते हैं तो हम करते क्या है वो देखो, 8 में से डायरेक्टली घटा दो किसको 3 को, तो 8 में से माइनस का चिन्ह, इसलिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 5। अब यहाँ प्लस करना है, ठीक है यहाँ माइनस मत लगा देना, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 वो प्लस ही रहना है, बाकी ये संख्या वैसी रहेगी जैसे 4/5 माइनस 3/4। क्या चीज समझ पा रहे हैं, जो मिस ये भिन्न था वो घटेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का तो 5 रहेगा प्लस 4 चौक 16 माइनस है तो माइनस 5 तिया 15/4 4 5 20। क्लियर हो पा रहा है? मतलब 5 सही 16 में से 15 घटाएंगे तो 1/20, तो फाइनली आंसर आएगा 5 सही 1/20। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ, और जो भी क्वेश्चन हो जाए तो उसे आप उतार जरूर लेना। अगला क्वेश्चन अगर मैं लिख दूँ 10 सही 1/3 माइनस 9 सही 1/4। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 सही 1/3 माइनस 9 सही 1/4, इसे माइनस करना है। जब सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना 1 प्लस। क्लियर हो पा रहा है? अब माइनस किसको करोगे, 1/3 में से 1/4 को क्या करना है माइनस करना है। क्या चीज़ समझ पा रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटाओगे, देखो समझ पा रहे हैं 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 1 और 4/12, तो फाइनली आंसर कितना जाएगा
एक सही, 1/12। ठीक है, थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 सही 2/3 प्लस 13 सही 1/6 माइनस 3 सही 1/6 और माइनस 5 सही 1/3। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करना है। चीज़ें समझना, अगर मैं इस पूर्ण राशियों की बात करूं सबसे पहले तो 10 और 13 कितना हो जाता, 23, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का। 10 और 13 कितना, 23। 23 में से 3 घटा देते तो कितना बचता, 20। 20 में से फिर 5 घटा देते तो कितना बचता, 15। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ लगाया प्लस, इन्हें अलग से सॉल्व करना है। किससे, तो 2/3 प्लस 1/6 माइनस 1/6 और माइनस 1/3। ये चीज़ समझ पा रहे हैं क्या आप? आगे सॉल्व करेंगे तो 1/6 से तो 1/6 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। क्लियर हो पा रहा है? अब इसे हम मिटा देते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बचा ये है, तो इसे पास में लिख दूँ मैं कितना, 1/3। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 3 1 3, देखो 15 प्लस 3 2 6 माइनस 3 1 3 और 3 3 का कितना, 9। 6 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3/9 में 3 1 3 3 3 का 9, तो फाइनली आंसर आएगा 15 सही 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। आगे देखिए, मतलब आप जोड़ने के क्वेश्चन आए तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, घटाने के आए तो भी सॉल्व कर पाओगे, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको स्टडी वायर टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम या फेसबुक पे आप सर्च करोगे स्टडी वायर तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, जो अपने चैनल का नाम है वो। और कुछ लोग ऐसे जिनको मैथ्स और हाई लेवल पढ़ना है, ठीक है, तो एक चैनल है अपना स्टडी वायर मैथ्स के नाम से, सेम नाम है पर साथ में क्या लगेगा, मैथ्स। तो या तो उसे सर्च कर लो या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ देख लीजिए। तो आपको उसमें क्या होगा कि एक लेक्चर और उसमें सारी की सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बेस्ट, आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पेपर ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। आगे गुणा की बात करते हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मैं लिख दूं इस संख्या का गुणा करना है, ठीक है, तो 6 सही 1/6 गुणा 3 सही 1/3 का गुणा करना है। तो पहले इसे मिश्रित भिन्न में चेंज करना, क्लियर है, बाकी इसका एक फॉर्मूला होता है पर वो कोई काम का नहीं। ठीक है, तो 6 6 36 और एक कितना 37 बटे में कितना 6, क्लियर हो पा रहा है। 3 3 का 9, इन दोनों का गुणा होता है, 3 3 का 9 और इसको जोड़ते हैं, 3 3 का 9 और एक कितना 10, 10/3। यहां तक तो समझ पा रहे होंगे। अंश का अंश में गुणा होगा तो 370, हर का हर में गुणा होगा तो 6 3 कितना 18। क्लियर हो पा रहा है? और आगे सॉल्व करोगे तो 18 2 36 यहाँ पे आएगा 1, भाग नहीं जाता तो भाग का 0 बचेगा कितना 10/18, इतना आता होगा ऐसा मेरा मानना है ना। आगे सॉल्व करोगे तो 20 सही, 2 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 9, तो 5/9, फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, तो 20 सही 5/9। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि मैं लिख दूं यहां 7 सही 2/5 गुणा 3/10। ये क्वेश्चन हमें दिया है, सॉल्व करेंगे तो 57 35 और 2 कितना 37 बटे में कितना 5 गुणा 5 2 50 और कितना जाएगा 53 बटे में कितना जाएगा 10, ऐसी कुछ आएगा। आगे सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो 37 दिया कितना हो जाएगा, बहुत सारा कुछ हो रहा होगा ना, गुणा कर लेंगे। देखो 7 21 का 1 बचेगा कितना 2, तो 5 57 35 3 3 का 9 35 और 9 44 और 2 46 का 6 बचेगा कितना 4, तो 3 5 15 15 4 19, मतलब गुणा जब करोगे अंश की संख्या का तो आ जाएगा 1961, बटे में कितना जाएगा तो 5 गुणा 10। क्लियर, इतना मतलब 5 2 50, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150, 50 दिया कितना 150, बचेगा कितना 46 और उतारेंगे 1, तो 50 8 कितना हो जाएगा 400 और बचेगा कितना 50 9 450 बचा कितना 11 बटे में कितना आ जाएगा 50, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा होगा 39 सही 11/50। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गुणा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आगे देखिए,
और है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, परंतु सिखाना मेरा काम है, नहीं आता हो तो बिल्कुल इतना कम से कम आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर आपको इस प्रकार से कुछ दिया हो, 2/7 / 5/7, ठीक है, इससे सॉल्व करना है। तो देखो जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, कम से कम इतना देखो आप, जब भी हम किसी अगली संख्या का भाग देते हैं, मतलब एक भिन्न का दूसरे भिन्न में भाग देते हैं, तो इसको एज इट इज लिखते हैं। एज इट इज मतलब जैसा का वैसा लिखना है। तो 2/7 को 2/7 लिखना है, पर अगली संख्या जब भाग की जगह गुणा लिख दिया जाता है, इसे याद रखिएगा, भाग की जगह गुणा लिख दिया जाता है, तो उसके बाद की जो संख्या पलट जाती है, मतलब वो कितना जाएगा, तो 7/5। और आगे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कटा, फाइनली आंसर कितना जाएगा, 2/5। क्लियर हो पा रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 3 सही 1/4 / 2 सही 1/3। क्लियर है? ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो इसे पूर्ण भिन्न में सॉल्व करेंगे, तो 4 × 3 = 12 कितना, 13/4 / 3 × 6 = कितना, 7/3। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? हमने ये बोला कि जब इधर की राशि में तो कोई चेंज नहीं होगा, भाग की जगह जब गुणा लिखते हैं तो ये पलट जाती है, तो ये पलट जाती है, 3/7 हो जाएगा ऐसा। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13 × 3 = 39, और यहाँ 7 × 6 = 28, ठीक है, 7 × 4 = 28 और 13 × 3 = 39, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा, तो 39/28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि भाग के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, परंतु देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो, एक मिनट में लिख देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, 64/16/4, ये समझ पा रहे हैं? करना क्या है ये देखो कि 64 का तो 64 रहेगा, समझना, बस ऐसे याद आ गया तो मैंने लिख दिया। आगे की जो संख्या होती है, अगर सारी संख्या भाग भाग में ही हो, तो इस भाग के बाद क्या है, 16, तो इसको हम लिख देंगे 1/16, इस भाग की जगह गुणा लिखो और इसको लिख देंगे 1/4। समझना कि इस पहली राशि के बाद जितने बार भाग हो सबकी जगह गुणा आएगा और वो राशि पलट जाएगी। क्लियर हो पा रहा है? तो 16 × 64 और ये 64, फाइनली आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो पा रहा है? आगे देखो, अब हमने देखो जोड़ना घटाना गुणा भाग सब देख लिया। अब बात आती है इनकी, 4/9 / 1/2 / 3/4 / 2/3, इसमें आपको छांटना है देखो ये भिन्नों में, और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको छांटना है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, दूसरा आपसे पूछेगा यहाँ पर कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, और तीसरा आपसे पूछेगा बढ़ते क्रम में जमाओ, बढ़ते क्रम में, और फोर्थ आपसे पूछेगा घटते क्रम में। तो देखो कि इस प्रकार के अगर आपको 3-4 वैल्यू दे दे, भिन्न दे दे अलग अलग फ्रैक्शन, और वहां पर बढ़ते बड़ा छोटा बढ़ते क्रम घटते क्रम की बात अगर कर रहे थे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो कैसे करेंगे ये देखो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर चीजें सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 1/2 और 1/3, आपसे पूछ लिया जाए इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो मैं डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते उस पे आ रहा हूँ, है ना। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2। हमने क्या करा, इस वाली संख्या का इधर गुणा करा, इस वाली संख्या का इधर गुणा करा, क्या ये बड़ा है या ये, तो 3 बड़ा है, इसका मतलब 1/2 बड़ा होगा किससे, 1/3 से। अगर मैं यहाँ लिख देता 3/5 और 7/8, इन दोनों को कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, तो करना क्या है वो देखो, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 और 5 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना 35। क्लियर हो पा रहा है? इन दोनों में बड़ा क्या है, ये, तो हम ये बोल देंगे 7 35 बड़ा है, इसका मतलब 7/8 बड़ा होगा, और ये चिन्ह बड़े और छोटे को रिप्रेजेंट करता है, जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या और जिधर बंद होता है वो छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या क्या होगी, 2/5, तो इन सॉरी 3/5। तो इन दो क्वेश्चन के माध्यम से आप ये समझोगे कि सॉल्व कैसे करना है। इसके एलसीएम मेथड होती है, गुणनखंड मेथड होती है और सारी मेथड होती है, परंतु मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ठीक होना, ठीक है, कमांड होना, बाकी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ दो दो कंपेयर करते हम, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों में सबसे पहले हम किसको छाट रहे हैं कि बड़ा कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है वो निकाल लेते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है वो निकाल लेते हैं। क्लियर हो पा रहा है? तो देखो 4 × 2 = 8, 9 × 1 = 9,
इसका मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी, क्योंकि 8 और 9 में बड़ा क्या है, 9, और 9 किसके पास है, तो 1 बटे 2 के पास, तो 1 बटे 2 बड़ा हुआ है यहाँ से। इन दोनों में बड़ा कौन है वो देख लो, 3 त्रिका 9, 4 दूनी कितना 8, तो यहाँ रहा है 9 और यहाँ रहा है कितना 8, तो ये संख्या होगी बड़ी, मतलब कितना 3/4। हमने दोनों में से बड़ी बड़ी छाट ली, अब इन दोनों को छाट लो, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, इन दोनों में बड़ा क्या है 6, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 3/4, ठीक है। तो सबसे बड़े भिन्न की बात करें तो कितना आ गया 3/4, ये चीज़ समझ पाए। अब अगर छोटे भिन्न की बात करते तो ये देखो, छोटे भिन्न की बात करते तो हमने दोनों कंपेयर करा था, तो छोटा क्या था 8, इसका मतलब ये भिन्न क्या था छोटा, कितना 4/9। जब इन दोनों कंपेयर करा तो इसमें छोटा क्या था 2/3, ठीक है, यही छोटा था। ये दोनों छोटे छोटे भिन्न है, अब इनमें से छोटा निकाल लो, 3 चौक कितना 12, 9 दूनी कितना 18, इन दोनों में छोटा कौन है 12, इसका मतलब सबसे छोटा भिन्न क्या होगा 4/9। तो सबसे छोटा भिन्न की अगर पूछा जाता तो कितना जाता 4/9, मतलब इन प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो सबसे बड़ा पूछते तो कैसे निकाला वो भी हमने देखा, सबसे छोटा पूछते तो कैसे निकालते वो भी हमने देखा, अब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखो। सबसे पहले तो बढ़ते क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, है ना। बढ़ते क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा सॉल्व अगर हम करेंगे जैसा हमने सॉल्व करा था उसी प्रकार से, तो सबसे छोटा क्या आएगा 4/9, क्लियर हो पा रहा है। अब इसके बाद इससे बड़ा लिखेंगे और इससे बड़ा क्या होगा वो देखो, तो 4/9 जो सबसे छोटा था, बचे ये 3, इन दोनों में छोटा कौन था 2/3, समझना। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्लियर हो पा रहा है। इन दोनों में छोटा ये था, इन दोनों में छोटा ये था, जब इन दोनों को कंपेयर किया तो सबसे छोटा आया 4/9, तो सबसे पहले 4/9 को लिखा, मतलब हम इसे लिख चुके हैं, बचे ये 3 भिन्न, इन 3 भिन्नों में इन दो में ये छोटा था तो इसे लिखा। अब इधर इसको कंपेयर करके देख लेते हैं, तो इसको कंपेयर करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, इन दोनों में भी छोटा कौन आया 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। अब ये 1/2 यहाँ का हम लिख चुके हैं, अब इन दोनों में छोटा कौन था, तो इन दोनों में छोटा है ये, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा तो 2/3, फिर सबसे बड़ा भिन्न कितना आ जाएगा तो 3/4, क्लियर हो पा रहा है। तो जिस प्रकार से हमने ये जमाया तो ये कौन सा हो गया, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और बढ़ते क्रम में अगर बोलते सॉरी घटते क्रम में हमसे अगर घटते क्रम की अगर बात करते तो सबसे बड़ा सबसे पहले, तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास यही है 3/4, फिर उससे छोटा क्या है 2/3, फिर उससे छोटा क्या है 1/2, फिर उससे छोटा क्या है तो 4/9। और जिनको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा सा और रुकना, है ना, एक क्वेश्चन और लेते सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक सारी चीज़ें आपको नहीं आनी है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो ही वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बलबूते पे पेपर निकल जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपकी लगेगी ही, और थोड़ी सी बोले तो मैथ्स में एक अच्छी खासी मेहनत की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन 3/8, 7/12, 1/3, 2/5, यहाँ पर भी आपसे पूछेगा बड़ा छोटा बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ठीक है। मतलब ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि दो दो के जोड़े कंपेयर करना, इन दोनों के जोड़े के, तो 12 पंचे कितना होगा 60, 8 सत्ती कितना हो जाएगा 56, इन दोनों कंपेयर देखो। अब इन दोनों में सबसे पहले हम किसको छाट रहे हैं, बड़े को, तो जब हम इन्हें दोनों कंपेयर किया तो यहाँ 60 आया है, 56 आया, मतलब ये क्या होगी, ये संख्या बड़ी होगी, मतलब ये भिन्न बड़ा है 5/8। इन दोनों कंपेयर करो, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, इन दो में छोटा बड़ा क्या आया, इन दो में बड़ा आया कितना 2/5, मतलब हमारे पास 4 भिन्न थे, हमने इन दो को अलग कंपेयर किया, इन दोनों को अलग कंपेयर किया, तो इनमें बड़ा क्या आया 5/8, इन दो में बड़ा क्या आया 2/5, क्लियर है। अब इन दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे, 25, 8/16, सबसे बड़ा भिन्न चाहिए तो इन दोनों में बड़ा क्या है तो 25, 25 आया किससे तो 5/8 से, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 5/8, ये समझ पा रहे हैं।
अब बात करते कि छोटा भिन्न है, अगर हमें सबसे छोटा छाटना होता तो इन दोनों में छोटा क्या था, 7/12, इन दोनों में छोटा क्या था, 1/3। ये चीज समझ पा रहे हो? तो 7 कितना, 21, और 12 कम 12, सबसे छोटा चाहिए। तो यहां से भी हमने छोटा उठाया, यहां से भी छोटा उठाया, इन दोनों छोटे वाले कंपेयर किया तो ये क्या आ रहा है, छोटा, मतलब सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 1/3। ये चीजें समझ गया? अब ये देखो बात आती है कि बढ़ते क्रम में जमाओ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात आती है, बढ़ते क्रम की बात होती है, तो हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, और सबसे छोटा तो हम ला चुके हैं 1/3। फिर इससे बड़ा भिन्न आएगा, इससे बड़ा मतलब इससे अगर बड़ा है तो उधर मुंह खुला रहेगा, तो 1/3 तो हम लिख चुके हैं। अब हमें इससे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा तो नहीं चाहिए ना, इससे बड़ा चाहिए। तो यहां पर छोटा क्या था, 7/12, और यहां पर छोटा ये था, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे किसको, 2/5 को, क्योंकि हम इससे लिख चुके हैं। तो 57/35, 12/24, इन दोनों में छोटा क्या है, तो 3/5, तो यहां कितना जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ये दोनों लिख चुके हैं हम। अब इसके बाद देखो, इन दोनों में फिर ये छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, मतलब कितना, 7/12, फिर आ जाएगा कितना, 5/8। क्लियर हो पा रहा है? तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, जस्ट इसका पलटाएंगे तो क्या जाएगा, घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 5/8, फिर उससे छोटा भिन्न क्या होगा, ठीक है, तो 7/12, फिर इससे छोटा क्या होगा, 2/5, इससे छोटा क्या होगा, 1/3। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, इसे आप खुद सॉल्व करना, और यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न सबसे छोटा भिन्न क्या होगा दोनों बताना है आपको, मतलब 1/2, 2/3, 5/9 और 7/9, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा वो बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और सबसे छोटा क्या होगा वो बताना। और अगर आपसे दोनों बन जाते तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आप खुद सॉल्व करना जरूर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न आपको छाट के लिखना है। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही, तो भिन्न में हम इतना ही पढ़ना है जो हमारा एग्जाम सिलेबस है, ठीक है। वैसे अगर हम भिन्न की बात करें तो इसे बहुत हाई लेवल तक पढ़ा जा सकता है, इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं तो उस प्रकार के क्वेश्चन, परंतु हम उसे आगे चल के जो साधारण ब्याज के हैं, मतलब जो परसेंटेज के हैं कि अंश को 20% बढ़ा दिया, हर को 30% कम कर दिया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन वो हम वहीं करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करना, और यदि वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो और आप फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय